السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله كنا فيكم وفيكم. और सुनाए जनाब, तो आमिर भाई क्या हाल चाल है? सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए सब ठीक है। आपकी तबीयत खराब थी? हाँ यार, वो पिछले दिनों जरा तबीयत सही नहीं थी, तो अब जरा तबीयत लेके आया हूँ, कुछ फर्क लगने लगा है थोड़ा सा। ये धागा आप लेके आए, ये कहाँ से लेके आए आप? ये बस गए थे एक जगह से लेके आए हैं। अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी कुछ फर्क होने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, इस तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकलीफ लिख दी हुई है वो हमें पहुँचनी पहुँचनी है। सही बात है। और जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नफ़े में लिखी है ना, वो नफ़ा हमें पहुँचना ही पहुँचना है। और हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे तकदीर को लिख दिया हुआ है हमारे पैदा होने से पहले, और वो हो के रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी तरीके से सवाल पूछा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। एक रवायत आती है कि उन्होंने सवाल किया कि आपने गंदम क्यों खाई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब क्या दिया था? उन्होंने यही जवाब दिया था कि ये सब लिख दिया जा चुका था। तो इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में फरमाया, जो बंदा तावीज़ लटकाता है या धागा बांधता है या कड़ा लटकाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला से उसका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उससे अपना ताल्लुक ख़त्म कर देते हैं। ये छोटी चीज़ तो नहीं है कि हम अल्लाह तआला से अपना ताल्लुक ही तोड़ रहे हैं। एक मोमिन और मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार ही ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसका ताल्लुक मजबूत होता है, उसका ताल्लुक मिलना जो उनका था उसके ऊपर यकीन होता है। इस तरह का बाकी हदीस है, मुझे तो आज तक किसी ने बताया नहीं और सुना ही नहीं। हमारे जो आबाईजाद करते आ रहे हैं, तो बस मैंने भी वो कहने पे कर लिया है इस तरह की कोई? बिल्कुल हदीस है और कुरान मजीद की आयत भी है। मैंने आपको आयत का तर्जुमा बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकालीफ हमारे लिए लिख दी है वो हमें पहुँचनी पहुँचनी है, ये हमारी आजमाइश है। अल्लाह तआला अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आजमाता है, अपने बंदों से लेकर भी आजमाता है, देकर भी अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन अब उसके बंदे उस आजमाइश के ऊपर पूरे उतरते हैं या नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से देखना है। और अगर हम अपनी इन आजमाइशों के ऊपर आके अल्लाह तबारक व तआला से शिर्क कर बैठे, अल्लाह से ताल्लुक ही तोड़ दें, इसमें किसका नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है या किसका नुकसान हो रहा है? हमें इस चीज़ से रुकना चाहिए और इसको उतार के आप फेंक दें। जितनी जल्दी आप फेंकेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर है। यार बहुत शुक्रिया, हमें तो इस चीज़ का इलम भी नहीं था, जो हमारे अबाउ जात करते आ रहे थे, हमें उनमें बातों में आके ना बस को फेंक दिया है। ये तो अभी पता लगा कि सुना से क्या चाहता है, अल्लाह क्या चाहता है। हम तो बस इन बातों में आके ना बस वो अबाउ जात की बातों में, तो आपने बताया, मैं आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जहर दे। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने फौरी तौर पर इसको उतारा, क्योंकि अभी आपने हदीस बताई है हमें, तो हमें पता ही इस चीज़ का था, तो आपने बताया हमें, तो ये अभी मैं इलम आ गया। इंशाल्लाह आगे बताएंगे, खुद भी अमल करेंगे, देखेंगे मज़ीद तहकी करके ना कुरान हदीस से, तो मज़ीद को अपने आबा अजदाद को भी बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। और चलें पानी पीते हैं।